ये देख रहे हो बेल का कांटा है इसके हाथ में कर कर उसे कहने को खाली बिहार में दारू बंद है बीच वाले सेक्शन में फिर वहां से कैमरा तो यहां क्यों बैठे हो दर्द कर रहे हो तो अंदर जाके बैठो क्या हो गया दर्द तुम्हारे चक्कर आए भाई साहब का हाथ का जो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है उंगली देख रहे हो कितना बड़ा हो गया है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया ये मेहंदी मुझे अपने हाथ से लगाने वाली है ओए अब ये रानी आई लव यू क्यों लिख दिया है ये देखो क्या लिख दिया इसने तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है और एकदम बारिश शुरू हो गया और इस भाई साहब का हाथ का जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है आपको पता है रात में मैंने दिया था इनको टैबलेट खाने के लिए उसके बाद भी इसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा है वो जो मैंने दिया था ना दवाई उसके बाद ये थोड़ा सा सो पाया उसके बाद फिर से इसका थोड़ा तबीयत खराब हो गया और हाथ का कंडीशन इसका ठीक नहीं है वैसे कंडीशन तो मेरा भी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो तो आपको पता ही होगा और बाकी आपको पता नहीं है तो दूसरे चैनल पर जाके देख लेना आसमान का रंग देखो कितना ज़्यादा काला है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है ना कि अभी थोड़ी देर में बहुत भयानक वाली बारिश होने वाली है भाई गिन्नी तुम पक्का श्योर हो ना इसका जो हाथ है वो कह रही है गिन्नी कि ले आओ मैं बेल के कांटे से वो कर देती हूँ सर्जरी कर देती हूँ अब मुझे लग रहा है कि भाई मजाक मजाक में इसके साथ और मामला सीरियस ना हो जाए दिखाओ हाथ में हाथ दिखाओ पहले मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ दिखाओ 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 तुम बोलो मत अभी पहले मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है बेल का कांटा है ये देख रहे हो बेल का कांटा है इसके हाथ में और इसी कांटे से ये क्या करने वाली है ए भाई कसम से तुम लोग जब मंदिर गए थे तो ब्लॉग बनाया हो मंदिर का कि नहीं 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 मंगल बनाया है तो मंगल बनाया होगा ठीक है तुम लोग नहीं डॉक्टर के पास गया है बजाबते वहाँ बैठे उन्होंने इंजेक्शन दिया है और वो अभी छोड़ दो ब्लॉग में सब चीज नहीं बोलो हाँ दिखाओ ना हाथ दिखा दो एक बार तुम्हारा हाथ दिखाओ आज देख रहे हो बाप रे इसका उंगली देख रहे हो कितना बड़ा हो गया है अरे बाप रे बाप इतना बड़ा उंगली हो गया इसका ये जब तुम नाचे हो ना बेटा उसी के बाद ही हुआ है आपको याद होगा स्टूडियो में जब डांस हो रहा था कूद कूद के डांस कर रहे थे सब लोग तभी इसके हाथ में चोट लगा था और अभी तक वही है बैठो तुम अमन बात समझो अरे वो प्रैक्टिशनर ज्यादा छेड़ो मत आता तो कुछ है नहीं प्रैक्टिशनर अबे यार तुमको प्रैक्टिस करने के लिए इसी का उंगली मिला है बे ये प्रैक्टिस कर रही है मत कर अरे यार चल कर 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 डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ भाई बहुत गलत कर रही है ये चल ठीक है मुझे भूल जा कि मैं इधर हूँ रुक यार रुक चल चल कर 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 वैसे आप लोग को नहीं पता है ये देसी नुस्खा होता है किसी भी ना ये एक्चुअली क्योर हो रहा है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसके पीछे का जो फिलॉसफी है ना वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में जब मुझे खुद अच्छे से पता चलेगा लेकिन ये उसको छेड़ नहीं रही है ना उसको तकलीफ दे रही है उसको तकलीफ से मुक्ति दे रही है ये हो गया हुआ हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल कांग्रेचुलेशन आपको पांडा जी आपको कांग्रेचुलेशन बारिश शुरू हो गया बहुत तेज ऑपरेशन कैंसिल हो गया ले वो अपनी बारिश भाग पांडा भाग बारिश तेज हो गया हटो 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 बेटा देखो बोला था ना कि बहुत तेज होगा बारिश अब इतना अरे मैं कहाँ जाऊँ यार चलो 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 इसको लेके जाओ मैं कहाँ जाऊँ यार ओ बाप रे बच्चे पूरा गीले हो गए यार इतना बड़ा छज्जा बाबूजी ने किस लिए दिलवाया है हम लोग तो यहाँ पे सेफ हैं खड़े हैं बारिश इतना तेज हो गया अबे आज हमें ऑपरेशन छोड़ दिया हड्डा है इसके उसमें कटा है इसको अभी हम लोग इसको कन्विंस कर रहे हैं कि करवा लो जो कर रही है ये लड़की नहीं नहीं बताए क्या हुआ था देखो मुझे काला हो गया और मुझे ना वैसा लग रहा है कि ये देखो बर्तन वर्तन धोते टाइम थोड़ा सा भी अगर कांच का टुकड़ा अंदर या फिर कोई भी कीड़े का टूड मतलब जो उसका स्टिंग होता है ना हाँ वो अगर गया होगा ये उसी की वजह से ऐसा जख्म होता है क्योंकि ना डंक घुस गया है यहाँ पे ब्लैक ग्रीन स्पॉट है स्पॉट स्पॉट जो है ना मतलब उसमें लगता है कि कोई तो डंक वगैरह अटका हुआ है इसीलिए ये ऑपरेशन कर रही है किसी को निकालना जरूरी है वो कांटे से निकालने की सोच रही थी थोड़ा सा वहाँ पे होल करती ना तो वो निकल सकता था लेकिन वो नहीं निकल रहा है अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है भाई यहाँ बारिश काफी तेज हो गया है अभी हम लोग जाने के हालत में नहीं है चप्पल देखो इतना गीला हो गया पूरा गीला हो गया तीनों का चप्पल और अभी जब बारिश पूरा बंद हो जाएगा पूरे तरीके से तभी हम लोग बाहर निकलेंगे और तब तक ये लड़की के हाथ में देखो क्या है ये है मेहंदी
इसको हम लोग कुप्पी मेहंदी बोलते थे बचपन में, अभी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। और ये मेहंदी मुझे अपने हाथ से लगाने वाली है। इसका मुँह देखो भाई, आपको देख समझ में आ जाएगा कितने तकलीफ में बैठा है ये लड़का। अगर इसका ऑपरेशन कर देती ना तुम तो इसका तकलीफ कम से कम कम हो जाता, लेकिन मान ही नहीं रहा। कम हो जाता कसम से भाई, मजाक नहीं कर रही। अरे हाँ मुझे पता है, मैं देसी लोगों को बस पता है ये बात। कसम से भाई ये देसी उपाय है। इसके बाद मस्त इसको कुछ नहीं करना था, नॉर्मल पानी में या दूध में हल्दी डाल के पीना था, दर्द सटाक से खत्म। भाई इस लड़के ने ना मेरा मतलब मेहंदी लगाना खराब कर दिया है पूरा। यहाँ से 5-6 बार पहुँच चुकी हूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया रानी आई लव यू। अभी जा रही हूँ जितने भी लड़के हैं उनका नाम लिखने के लिए, सबका नाम लिख डालूंगी आज, बस उसी का नहीं लिखूंगी जिसका लिखना चाहिए। रुक जाओ और क्या लिखूँ, अमित। और बताओ अभी कमेंट में नाम बताओ, खैर आप तो बाद में बताओगे यार। तन्नू आई लव यू। ओए नाम कैसा लगा? अब ये रानी आई लव यू क्यों लिख दिया है? मेरा मन तनु आई लव यू। कब से साला लगा रही हूँ, तो कभी ऐसे कर रहा है कभी वैसे कर रहा है। देखो ढंग का भी चीज लिखा है मैंने, पढ़ो पढ़ो ठीक से पढ़ो। ये देखो क्या लिख दिया इसने, ये भी कोई चीज है यार, ये देख रहे हो? ए इसका जलवा है। अब मैं भी सो के एकदम मस्ती कर रहा था क्योंकि मुझे हाथ में गुदगुदी हो रहा था और ये मेहंदी लगा रही थी। जब भी मुझे गुदगुदी होता है तो कोई कुछ भी करे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे ये बस कि सुकून मिलता है, और सुकून के चक्कर में ये मिल गया। रानी आई लव यू, कितनी रानी वीडियो देख रही है, है? मुझे क्या पता, वीडियो देखने वाले कुछ लोगों हो भी सकते हैं गर्ल्स जिनका नाम रानी हो। किसका किसका नाम है बताना? आप ही हो या आप ही हो? तो अभी डायरेक्टली हम मिल रहे हैं रात में, और मेरे साथ जो हुआ था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी आईपैड जो है अभी भी उसी के पास है, मकसद क्या है लेने का अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे फालतू में मकसद बोल रही है, लिया अपने लिए ही है उसने। और बाकी बहुत ही जल्दी हमारा यहाँ पर दरवाज़ा लगने वाला है, कोई भी इधर आसपास नज़र नहीं आ रहा है। क्या हो गया तुमको भाई, क्या हो गया? हाँ? बोलो क्या हुआ? दर्द कर रहा है। तो यहाँ क्यों बैठे हो, दर्द कर रहा है तो अंदर जाके बैठो। दर्द तुम्हारे चक्कर आए बैठे हैं। इस बंदे की उंगली में पता नहीं क्या हो गया है, ये अभी डॉक्टर साहब के पास भी गया था और डॉक्टर साहब के पास पूरा 2 घंटा बिताया है और उसके बाद वापिस आ गया और पता नहीं क्या हुआ। क्या बोले डॉक्टर साहब? बोले क्या कि सुई दिए हैं तो आराम हो जाएगा, तो आराम हो भी नहीं किया जब से आए हैं। इस बंदे को पता नहीं क्या हो गया है, ये सुबह में भी परेशान था, गिन्नी इसका ऑपरेशन कर रही थी बेल का कांटा लेके, और अभी देखो ऐसे ही बैठा हुआ है। तुम्हारे क्या हुआ है? अबे याद है स्टूडियो में नाच रहे थे हम लोग, तभी इसको चोट लगा था, वही चोट अभी तक नहीं, उससे पहले ही उस दिन जो ऐसे बजा रहे थे ना तो दर्द उठ गया था इसमें। अच्छा उससे पहले से ही है क्या ये? हाँ उसे 2-3 दिन पहले से। मतलब ये हो सकता है कि तुमको मधुमक्खी वगैरह काटा हो? मधुमक्खी भी नहीं काटा है, अब क्या काटा है यही नहीं पता चल रहा है। जब से यहाँ पे आया है ना इसके हाथ पैर में यही दिक्कत है, ठीक है, कभी एड़ी वेड़ी फट जाता है पूरा पैर का, कभी हाथ वाथ ये सब फट जाता है। वो तो आम बात है, वो तो फट जाता है ना, पूरा ब्लड वगैरह निकलने लगता है पैर से इसके। पहली बार हुआ है ये, कैसे ठीक होगा क्योंकि डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो भी दवाई भी खा रहे नहीं हो रहा। एक लेडीज बोली कि माता जी है। अच्छा वो चिकन पॉक्स नहीं होता है? नहीं नहीं वो चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है, वो ऐसे थोड़ी होता है माता जी। हाँ हाँ समझ गए जो तुम बोल रहे हो, वो ऐसे नहीं होता है, वो डिफरेंट चीज होता है। चिकन खाते हो? अरे पागल ऐसे नहीं होता है वो, ऐसे नहीं बोलते हैं उसको। अंडा कड़ी खाने वाले को होता है। तो तुम यहाँ लेटे क्यों हो? तुम या तो अंदर जाके बैठ जाओ या तो वहाँ जाओ अपने रूम में। दर्द के मारे बस घूम रहे थे, जैसे टहल रहे। दर्द के मारे तुम यहीं बैठ गए? बस चक्कर आया, बस यहीं बैठा हुआ था ये जब मैं आया दौड़ के। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा इसका, इतना मतलब यहाँ से लगता है कि करंट लगता हो।
घर में दूध है, दूध पियो, खाना खाओ, चक्कर आ रहा है क्या भाई? तो यही बताया ना, इसको चक्कर काहे आ रहा है? दर्द के मारे, ऐसा दर्द एक बार हुआ था इसमें पेट में, जो उस दर्द से कम से कम 20 बार बेहोश हुए थे पेट में। दर्द डॉक्टर कहता था तो ना किडनी इसका पथरी हो गया, इतना बार बेहोश हो गया तो पहले बताते वो दौड़ के नहीं आता, अच्छा सीसीटीवी में से देख के आया ये बंदा, देखो ऑन है ना, हमको आवाज गया भद 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 करती है, वो उधर से वो बीच वाले सेक्शन में, फिर वहां से कैमरा में देखे कुछ हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा बेटा, अभी कुछ लोग तो भाई भागे हैं सीधा घर के अंदर। क्या अगली बार कब बेहोश होगा भाई? मजाक उड़ा रहा है भाई तू, सच में इसका प्रॉब्लम है भाई। सुबह में भी इतना भयानक उसको प्रॉब्लम हुआ था, तब इसका सर्जरी होने नहीं जा रहा है, इतना टन 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 मार रहा है अंदर से कि हमें बर्दाश्त समझ इससे। तो अचानक से ऐसे उंगली में कुछ हो जाना, ये कैसे हो सकता है यार? तुम्हारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहा होगा इसके पीछे। नहीं, अचानक से कुछ भी कैसे हो जाएगा? हम भी नहीं देखे थे, हम अचानक दो तीन दिन पहले तो हम बोले भाई ऐसे ही आपका दर्द होता था, ऐसे ही करके ना काम गड़बड़ा जाता है समझे, वही वाला हो गया है लफड़ा। टाल दिए बस, टाल दिए तो फिर अब ये तुमको टाल रहा है, क्या हो गया? क्या हो गया? लड़ाई वड़ाई कर रहे थे ना? हाँ देखो अभी बाइक लेके ना कोई जा रहा था चिल्लाते हुए, ऐसा लगा लड़ाई हो रहा है, कोई बाइक लेके दौड़ के भी भाग रहा था, बाइक के पीछे एकदम बहस बहस बहसबाजी चल रहा था लोगों का, तो अचानक से भी मैं दौड़ गया है। अभी कैमरा ऑन ही है उस टाइम से अभी तक। हाँ इधर बहुत दारू बिकने लग गया है लोकल में, उसे कहने को खाली बिहार में दारू बंद है, दारू तो वैसे मिलता ही है। तुमको कौन सा ब्रांड चाहिए? मुझे थोड़ी चाहिए। क्या सब मिल रहा है भी, सब मिलता है बिहार में रह के, और पुलिस मिलता है, और पुलिस वगैरह भी देख के इग्नोर कर देते हैं। अब उन लोगों के भी हाथ में भाई कितना ही कुछ संभाल है, कोई इग्नोर कर देते हैं भाई। ऑन ड्यूटी हम 100 में से हर रोज 5 पुलिस वाला ढूंढवा के वो कर देंगे, प्रूफ करवा देंगे हर रोज। बात सही है यार भाई, ये भी एक बहुत ही बड़ा सा पंगा हो गया है। मेरे पास लाइट था, जो लाइट मैं यहाँ पे लगा के और वीडियो बनाता था रात में, वो लाइट भी खराब हो गया, उसके पहले एक लाइट था वो भी खराब हो गया, मेरे हाथ से दोनों गिर के खराब हो गया, मतलब अपने आप खराब नहीं हुआ, मेरे हाथ से छूटा नीचे गिरा और वो खराब हो गया, तो इसीलिए अभी लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। बाकी वो नया लाइट मैंने मंगवा लिया है, तो थोड़ा सह लो, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है थोड़ा सह लो, बस 2 दिन के बाद आ जाएगा लाइट। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको इस वाले एरिया में लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर चारों तरफ लाइट है और बहुत ही टेम्पररी लाइट है भाई, बारिश के मौसम में अगर इस वायर में कुछ हुआ ना तो पूरे पेड़ में करंट आ जाएगा। तो जब ये लाइट लग रहा था ना तब तो मैंने सोचा था वाह बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर लगता है। और सेकेंडली यहाँ पे एक कटहल है बहुत बड़ा सा, और अब भी मैं पहली बार इस कटहल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये कटहल अभी पकने वाला है, और पूरे पेड़ में ना बस एक ही फल है, तो वो कटहल को अभी हम लोग तोड़ने वाले हैं, जैसे ही कम्प्लीटली पक जाएगा तो तोड़ेंगे। वैसे कहते हैं कि पेड़ का एक फल खाना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि इस फल का क्या होगा, हमने तो प्लान मतलब सोचा है कि खाएंगे, बाकी मम्मी से पूछेंगे, मम्मी जो बोलेगी वही करेंगे। ये ना दूर से ही बहुत ज़्यादा चमक रहा है, और नज़दीक आओ तो पता चलेगा आपको कि ये अमरूद बिखरा हुआ है। बारिश के मौसम में यही होता है, अभी तक आम पूरे तरीके से ख़त्म हुआ नहीं है कि हमारे घर पे ना दूसरा फल जो है आ चुका है, और मैं सच बता रहा हूँ आसपास अगर आप कहीं ढूंढोगे ना तो आपको यहाँ भी सांप मिल जाएगा, क्योंकि रात में सांप का ना आबादी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब ये मेरा गणित कहता है, क्योंकि मैंने अभी अभी एक सांप देखा है और मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि इस लकड़ी के अंदर भी एक सांप है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इस पेड़ के ऊपर पूरा पूरा अमरूद भरा हुआ है, और लेकिन ये अमरूद ना खाने लायक नहीं होता है, जब भी बारिश का अमरूद होता है ना तो उसके अंदर ना कुछ ठीक सा नहीं होता है, वो अमरूद खाने वाला नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और रात का लगभग बज रहा है 9, ठीक है, सब लोग अंदर हैं, सब लोग अपनी अपनी दुनिया में हैं और मैं यहाँ अपनी दुनिया में हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आपने वो आईपैड वाला वीडियो देखा है, मुझे ना भाई बहुत पछतावा हो रहा है कि मस्ती में मैंने चैलेंज दिया उसको और वो कर नहीं पाई, और मुझे क्या करना पड़ गया। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आईपैड वो कैसे हासिल करूँ, और मुझे वो आईपैड मतलब वो मेरे किसी यूज़ का नहीं है, लेकिन वो आईपैड मुझे वापस से हासिल करना है, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे ना इतना बड़ा चूना कभी नहीं लगा है, इस बार बहुत बड़ा चूना ही तो बोलेंगे ना इसको, उसको चाहिए था कि नहीं चाहिए था, मस्ती में ही उसने भी बोल दिया और मैं भी जाके ले आया, और लाने का मेरा मकसद बस यही था कि उसने बोला कि सब लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे अगर तुम नहीं लाओगे तो
तो इसी के चक्कर में मैं जाके ले आया, और अब ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, वैसा लग रहा है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सांप देखा वहाँ पे, छोटा सा सांप है, ये पिंकी फिंगर जितना पतला सा है, वो उधर मेरे रूम के ठीक नीचे मतलब पीछे वाले साइड में जहाँ पे एसी का कंप्रेसर है ना, वहाँ पे एकदम नीचे में सांप बैठा हुआ था। मुझे देख के डर सा लगा, वो वाला मैंने मतलब वीडियो नहीं बनाया, टॉर्च से बस देखा था मैंने। तो ऐसा हालत है कुछ बारिश का, और बारिश में ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं तो हम इंसानों को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये है माहौल फ़िलहाल हमारे यहाँ का, और यही था हमारा आज का वीडियो। बाकी चलते हैं और आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो था यहीं के समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।